रेस बाउंड में मूवमेंट करता हो मार्केट, क्या होगा कल मार्केट में? मार्केट में कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा? कंटिन्यू करता हो मार्केट FOMC अनाउंसमेंट, क्या होगा कल? क्या लेवल हो सकते हैं मार्केट के? क्या प्रोबेबिलिटी है मार्केट में कितना नीचे डाउन साइड में जाने की? क्या अगर मार्केट में कल बुलिश ट्रेंड होगा और होगा तो किस पॉइंट तक जा सकता है? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम अनुराग तिवारी और आप देख रहे हैं स्टॉक टेक्निकल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में ओपनिंग होती है 15,729.25 की, हाई बनता है 15,783.65, लो क्रिएट होता है 15,678.90 एंड क्लोजिंग आती है 15,692.15 की। अब मार्केट में कल के लिए इसके क्या सपोर्ट्स हो सकते हैं, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कल भी वीडियो में मैंने आप सभी के लिए बता ही दिया था, फिर भी एक बार वापस ले लें, जो बनता है वो था 15,659.45। तो टेक्निकली अगर मार्केट में कल 15,650 के नीचे ओपनिंग होती है या इसके नीचे मार्केट डाउन ट्रेंड में ज़्यादा स्टार्ट करता है तो मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और फिर मार्केट के जो नेक्स्ट लेवल होंगे वो होगा 15,600, 15,480 एंड 15,340 तक आपको लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। और FOMC की अनाउंसमेंट अभी जो बाकी है होना, अगर उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कुछ मूवमेंट आता है और बेरिश ट्रेंड में मार्केट ज़्यादा स्टार्ट कर दे तो आपको नेक्स्ट जो इसमें सपोर्ट मिलेगा निफ्टी में वो 15,250 या 200 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी में बुलिश ट्रेंड की। तो बुलिश ट्रेंड के लिए मार्केट में बहुत ज़रूरी है 15,770 के ऊपर मार्केट ओपन हो, रेस्टे करे एंड 15,830 जो मेरा पुराना सस्टेंस आपको दिया हुआ है, अगर उसके ऊपर मार्केट स्टे करती है तो इसमें बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा और इसके लिए फिर नेक्स्ट टारगेट होंगे 15,930 एंड 16,380 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 3317.80, हाई बनता है 3355.55, लो क्रिएट होता है 3329.55 एंड क्लोजिंग आती है 3339.00 की। तो निफ्टी के लिए कल हमारे जो रेजिस्टेंस निकल के आएंगे, अगर मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसके लिए लेवल, जैसा कि मैंने कल भी काफ़ी ऊपर तक के आपको दिए थे, फिर भी एक बार वापस से इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बैंक निफ्टी में 33,470 के ऊपर मार्केट को ओपन होना चाहिए और स्टे करना चाहिए। देन इसके बाद फिर आपको जो लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं वो मिलेंगे 33,650, 34,000, 34,200 एंड 34,500 तक के लेवल आपको बुलिश ट्रेंड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बेरिश ट्रेंड की। अगर मार्केट में बेरिश ट्रेंड आता है तो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट्स क्या होंगे और किस पॉइंट तक मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिल सकती है? तो दो दिन पहले जो मार्केट का लो क्रिएट हुआ था बैंक निफ्टी का वो था 33,100 अप्रोक्स। अगर उसको भी ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो इसमें सपोर्ट निकल के आता है वो आता है 32,930
32,760 and 32,500 एंड 32,200 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद स्टॉक टेक्निकल। थैंक यू।